अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस खीर। इसके लिए मैंने एक पतीले पर ले लिया है 1.5 लीटर दूध, और उसमें क्या जाएगा वो बता देती हूँ। ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी भर के चीनी, और ये बासमती राइस है जो रात को मैंने भिगो के रख दिया था वो हम डालेंगे। और ये इलायची पाउडर है जो बारीक कूट के डाला हुआ है, आप अक्खी भी डाल सकते हैं। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, देखिए वो हम डालेंगे बाद में। अभी गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे, और ये पतीले में हम डालेंगे अभी ये चावल, ये डाल देंगे सारा। अगर आपको सुबह बनानी है तो रात को भिगो ले, और अभी रात को बनानी है तो सुबह भिगो ले, तो अच्छी खीर बनेगी आपकी। और इसे हलाते रहें, और अब डालेंगे, देखिए अब डालेंगे हम चीनी। चीनी और राइस वो दोनों को उबलने देंगे अच्छी तरह से। मीठा आपके घर के हिसाब से आप डालिए, ये परफेक्ट है। अभी इसे हम धीरे आंच पर रख देंगे 1.5 से 1.25 घंटे के लिए उबलने के लिए। देखिए ये बीच बीच में हलाते रहेंगे, हमारी खीर रेडी है। लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए अभी फिर से उका लेंगे। तो देखिए ये ड्राई फ्रूट डाल दिए सारे, अब उसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और उसे फिर से हम 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर उकलने देंगे इसको। देखिए खीर हमारी रेडी हो जाएगी 15 मिनट के अंदर। देखिए ये हमारी खीर रेडी है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप कटे हुए बादाम डाल के इसे गार्निश भी कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालना है वो डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खीर, ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए कैसी अच्छी लग रही। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अल्लाह।